नहीं, वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है, वो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। मौजूदा सांसद की बात कर रहा हूँ, कह रही है 6,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये सब कागजी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने इस चैलेंज कर लिया राहुल गांधी, मैंने तो ये समिट जो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, यूपी में, मैंने इसका खूब विश्लेषण किया है। गुजरात में जहाँ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुश्किल से 12% जो इन्वेस्टर समिट में उस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे वो हकीकत में बदलते थे, वो प्रोजेक्ट में बदलते थे। तो ये घोषणा के लिए है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए है, हेडलाइन के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये इसमें जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। लेकिन सर, जो 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 जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा कल यहाँ पहुंची रायबरेली में, सांसद जो महोदय हैं वो भी, और जो मंत्री जी मंत्री हैं यहाँ से लोकल सांसद भी हैं, स्मृति ईरानी जी, वो भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, चैलेंज करना उनका उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उनको उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं है, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। अगर राहुल जी को लड़ना है और उन्होंने मन बना लिया है और सीईसी मंजूरी देती है, वो जरूर लड़ेंगे, हम किसी से भागने वाले। और मैं आपको ये भी कह दूं कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की, और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीतेंगे। नहीं, बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़े, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है, हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उसका उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ, पार्टी, हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। अमेठी पे खड़े हैं हम लोग।